और अगली खबर पे नजर डालते हैं। राजधानी में फिर अग्निकांड हुआ। अंबाबाड़ी में एक मकान में आग लगने से दंपति झुलसे। घटना में जहां पति की मौत हो गई है, वहीं गंभीर रूप से झुलसी पत्नी का उपचार जारी है। आग की चपेट में नौकर भी आ चुका है और धुएं से बेहोश हो गया। हालांकि चार दमकलों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन बड़ी घटना है, विवश घटना है, क्योंकि एक दंपति इसमें जल गए और जिसमें फिलहाल खबर हम तक ये पहुंच रही है कि पति की जान जा चुकी है। पत्नी की स्थिति भी बेहद नाजुक बनी है। सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया था और यही वजह है कि पति को नहीं बचाया जा सका? लेकिन रीमा, शहर में दूसरी घटना है, जनवरी की बात है, विद्यानगर इलाके में ये अंबाबाड़ी। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे मकान है, इस मकान के अंदर ही आगजनी हुई थी बीती रात, जहाँ पर संजीव, उनकी पत्नी सुमन, उनका श्वान, एक नौकर और एक बच्चा, सभी यानी कि कह सकते हैं हम चार जिंदगियां इस मकान के अंदर थी। रात को जब आग लगी तो संजीव अपने नौकर के साथ ऊपर थे, उनका श्वान भी उनके पास ही था, लेकिन उनकी पत्नी और जो बेटा है वो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर थे। और आगजनी बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने के बाद में ये आग शुरू हुई। आग की जद इतनी बढ़ गई क्योंकि रात का समय था, सर्दियों का समय है, ऐसे में कोई व्यक्ति बाहर निकलता नहीं है। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गंभीर रूप से संजीव है वो झुलस गए। लेकिन जो सूचना हमारे पास आ रही है, संजीव ने दम तोड़ दिया है, साथ साथ पत्नी घायल है। इसके अलावा जो नौकर है, नौकर भी गंभीर घायल है। इसके अलावा जो संजीव, जिसको सबसे ज़्यादा चाहते थे, उनका श्वान था जर्मन शेफर्ड का, वो भी इस घटना के अंदर जलकर अपनी जान गंवा बैठा। फिलहाल पुलिस मौके पर आ चुकी है, लेकिन जो परिजन है, जो उनका बेटा है छोटा, वो सब अंदर ही हैं और जो पत्नी है और नौकर है उनका इलाज वहाँ जारी है। रीमा, पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी। बिल्कुल, हम ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे। पति की तो मौत हो चुकी है लेकिन पत्नी अभी भी गंभीर स्थिति में है, लेकिन क्या वो कुछ बताने की स्थिति में है कि आग लगी कैसे और कैसी आग इतनी भयावह हो गई कि इतने लोग उसमें जल गए? देखिए, आग जब रात को लगी थी सभी नींद के आगोश में थे और धीरे धीरे आग फैलती गई। धुआं था क्योंकि सर्दी का टाइम है, सभी कमरे के दरवाजे और जो खिड़कियां थी जरों के थे वो बंद थे, इसलिए धुआं बाहर नहीं निकल पाई और धीरे धीरे सभी के सभी धुएं के अंदर बेहोश हो गए, या फिर यूं कहें कि उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल जो पत्नी है उसकी स्थिति ठीक है, नौकर की हालत गंभीर बताई जा रही है और संजीव ने दम तोड़ चुका है। फिलहाल पुलिस यहाँ आ चुकी है और बयान दर्ज कर रही है। पड़ोसियों के साथ साथ कोशिश की जा रही है पूरे वाक्य को समझने के लिए, क्योंकि विद्यानगर इलाके में दूसरी घटना है। पहले भी एक घटना हुई थी एक वर्ष पहले, जहां पर पांच व्यक्ति एक मकान में जिंदा जल गए थे। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दमकल कर्मी को तत्परता रही कि जो बाकी जिंदगी है उन्हें समय पर रखे, उनको बचा लिया। रीमा, बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि घर का सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, तो क्या ऐसे में कोई शक भी गहरा रहा है इस आग लगी की घटना को देखकर? जी बिल्कुल, इसीलिए शायद पुलिस से मौके पर पहुंच गई थी और अंदर पुलिस के अधिकारी हैं, वो जांच कर रहे हैं पूरी की आग कहाँ से लगी, किस प्रकार लगी। पति और पत्नी, पति ऊपर सो रहे थे, पत्नी नीचे सो रही थी, क्या कुछ कारण था इसके पीछे, हर तथ्य को ध्यान रखते हुए जांच की जा रही है। लेकिन गंभीर बात यह है कि जो संजीव है, जो मकान मालिक है, वो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है डॉक्टरों की टीम कि उनके नौकर को, उनकी पत्नी को बचाया जा सके और जो बेटा है वो सकुशल है। ये एक राहत की बात है कि बेटा सकुशल बच गया, लेकिन जैसे लोगों को पता पड़ा, यहाँ पर भीड़ जमा हो गई, लोग आने लगे और जो संजीव है उनको, जो शव है उनका, वो मोर्चरी रखाया गया है और थोड़ी देर उनका शव यहाँ लाया जाएगा। अच्छा सत्यनारायण, उस वक्त क्या हुआ? आग लगी उसके बाद इतने भयंकर तरीके से, इतने भयावह तरीके से आग फैल गई। सबसे पहले पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, दमकल कर्मियों को किसने इन्फॉर्म किया? देखिए, करीबन 3:20 के बाद जब ये आगजनी हुई, लेकिन धीरे धीरे जब आग की धुआं फैलती गई और उसके बाद के अंदर आसपास के लोग, व्यक्ति बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है, लेकिन घर के बाहर कोई भी नहीं है। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद में तुरंत प्रभाव से दमकल कर्मियाँ पहुँचे, चार गाड़ियाँ दमकल कर्मी पहुँची और अपनी जान पर खेलकर दरवाजे तोड़कर जो लोग थे उनको बाहर निकाला, गंभीर झुलसी हालत में संजीव को बाहर निकाला। और जैसे ही उनको, संजीव को यहाँ से अस्पताल लेके गए, संजीव को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और संजीव जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, उनका श्वान था जर्मन शेफर्ड, वो भी इस घटना के अंदर अपनी जान गंवा बैठा है। और पत्नी है वो ठीक है, ठीक बताई जा रही है, लेकिन नौकर की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले के तथ्य की जांच की जा रही है, साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आग के कारण के पीछे, आग जो लगी है उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी